सब्सक्राइब करें एसके झा स्टडी पॉइंट को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो 35,277 पोस्ट आ चुका है, कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकता है, किस जोन में कितना सीट है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, किस जोन से फॉर्म भरे, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर सरकारी रिजल्ट्स कॉम में जाते हैं और यहाँ आप लोग देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2019। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म शुरू हो चुका है वो 1 मार्च 2019 से शुरू हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 31 मार्च 2019 तक। फ़ी पेमेंट लास्ट डेट, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद अगर फ़ी आप उस समय नहीं कर पाते हैं, अगर बाद में करना चाहते हैं तो वो आप 5 अप्रैल 2019 तक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के लिए आपका डेट दिया गया 12 अप्रैल 2019 तक और CBT-1 एग्ज़ाम डेट आपको दे चुका है यहाँ पर जून से सितंबर 2019, मतलब जून से सितंबर के बीच आपका CBT-1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कम्प्लीट हो जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाई सुन यहाँ पर कर दिया जाएगा कुछ दिनों में कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, ठीक है। पेमेंट मोड, आप पेमेंट जो है किस किस मोड से कर सकते हैं, यहाँ पर आपका बहुत सारा प्रोसेस दिया हुआ है। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ई चालान से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। 1/7/2019 तक का आपका एज लिमिट दिया दिया गया है कि इस एज के अंदर ही आपको भरना है, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपको 35,277 पोस्ट दिया गया है और ये कौन भर सकता है, 10+2 इंटरमीडिएट लेवल पोस्ट डिटेल्स, ठीक है। ये 10वीं या 12वीं तक का छात्र जो है इस पोस्ट को भर सकता है, मतलब जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट को, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को। इसमें टोटल पोस्ट आपका 4,319 है, इसमें 760 है, इसमें 17 है, इसमें 592 है और इसमें 4,940 है। एज लिमिट आपका यहाँ दोस्तों दे दिया गया 18 से 30 साल अगर आपका है, 18 से 30 साल के बीच में आपका अगर एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, जो कैंडिडेट्स 10+2 किया हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, ग्रेजुएट लेवल जो बैचलर डिग्री या आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म है, जैसे गुड्स गार्ड का, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट का, सीनियर टाइम कीपर का, कमर्शियल अप्रेंटिस का और स्टेशन मास्टर का। ये आपका टोटल पोस्ट है 88,548, 5,638, 2,873, 3,164, 14,259, 6,886। अब यहाँ पर आपको दिया गया है आरआरबी बोर्ड वाइज वैकेंसी डिटेल, मतलब किस जोन में कितना सीट दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले अहमदाबाद का, तो यहाँ जनरल का जो पोस्ट दिया गया है ये 486 दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का दिया गया 97, ओबीसी का 246, एससी का 132, एसटी का 73, टोटल जो आपको मिला के हो रहा है यहाँ 1024, ठीक है। अगर पोस्ट डिटेल आपको और देखना अच्छा तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप उस पोस्ट डिटेल को देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवंतपुरम का यहाँ टोटल सीट दिया गया आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख लीजिए किस जोन में कितना सीट है, उस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, आपका ऑनलाइन का प्रोसेस सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो है वो फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किस फॉर्म को किस जोन से भरना चाहेंगे। अगर आप अहमदाबाद से भरना चाहते हैं तो आप अहमदाबाद पर क्लिक कीजिए, अजमेर,
इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, जिस जॉन से आपको लगता है कि हाँ इस जॉन से मुझे भरना चाहिए, उस जॉन में आप जाके इसको भर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कोई भी जॉन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ रांची जॉन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आप रांची जॉन को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन पे। अब यहाँ पर आपका दिया गया कि क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर अप्लाइंग, यहाँ पर बता रहा आपको कि आप किस आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, आपका यहाँ 12th बेसिस पे है और ग्रेजुएट और ITI लेवल पे पोस्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि समुदाय आपका कौन सा है, SC, ST, UR, OBC, नॉन क्रिमिनल लेयर और EWS, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका तीसरा जो आपका पॉइंट है कि आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, क्या आप बेंच मार्क विकलांग PWD व्यक्तिगत है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है यस या नो। अगर आप है तो यस, नहीं है तो नो। तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कोई भी एक, ग्रेजुएट लेवल पे सेलेक्ट करते हैं हम कोई भी एक UR और इसको करते हैं नो, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं चेक एवेलेबिलिटी। द वैकेंसी टेबल इज पर द सिलेक्टेड क्वालिफिकेशन कमिटी PWD सब्जेक्टेड टू कैंडिडेट कंफर्मिंग टू द एजिबिलिटी। अब यहाँ पर आपको दिया गया है उस जो आप यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये सब पोस्ट आप भर सकते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्लाई किया गया है और ये सारा पोस्ट को आप भर सकते हैं। अब जिस पोस्ट में आप एलिजिबल है उस पोस्ट में आप अप्लाई कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी में एक OTP आएगा, उसको सेलेक्ट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आप भरते जाइए। मैं यहाँ सारा चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ प्रोसेस जस्ट थोड़ा बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरते जाना है। लास्ट में आपका फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जाएगा और फी पेमेंट। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स आते हैं तो आपका फ़ी थोड़ा कम लगेगा, अगर आप OBC जनरल में आते हैं तो आपका फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि OTP एक्टिवेशन, जैसे मैंने बताया लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म, जब आपको फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ फॉर्म मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं। मॉडिफाई एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप फॉर्म को भरते समय आपका कुछ प्रोसेस गलत हो जाता है तो यहाँ से आप उसको सुधार सकते हैं। इसके लिए आपका कुछ चार्जेस भी लग सकता है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ये तो आपको दिया गया। उसके बाद डाउनलोड सिलेबस, सिलेबस क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं क्लिक करके। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपके पास सिलेबस खुल जाएगा। चलिए मैं इसको खोलता हूँ और ये मेरा सिलेबस जो है RRB NTPC का वो मेरा हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ और हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि मेरा सिलेबस क्या क्या है, मतलब किस किस क्वेश्चंस पे आने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपका, एग्जाम ड्यूरेशन मिनट आपका 90 मिनट का होने वाला, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर टेस्ट CBT टेस्ट जो है वो आपका 90 मिनट का होने वाला, मतलब लगभग लगभग 1.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम होने वाला। जनरल अवेयरनेस जो है आपका 40 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 30 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा आपका 100, टाइम रहेगा आपका 90 मिनट का, ठीक है। इसमें आपका नेगेटिव मार्क भी है, 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम इच रॉन्ग, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपका इसमें 1/3 नंबर आपका जो है वो कट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस दिया गया है मैथमेटिक्स में आपका कौन कौन सा जो चैप्टर है वो आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सा आएगा, और CBT 2 बेस्ट जो अगर आप फर्स्ट एग्जाम को सेलेक्ट करते हैं तो आपको CBT 2 के लिए आपका क्वालिफाई कर दिया जाएगा। आप सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट को दे सकते हैं, इसमें आपका जो है वो 90 मिनट का ही रहेगा, वो जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का, मैथमेटिक्स आपका 35 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा आपका 120, मतलब 120 रहेगा, ठीक है। इसमें आपका सिलेबस दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पर अगर आप जिस
पोस्ट को आप सिलेक्ट किए हैं उसमें अगर आपका टाइपिंग स्किल मांगा गया तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसमें। तो ये था दोस्तों NTPC का डिटेल्स। तो